सवालों के घेरे में अखिलेश के अवधेश, रात के अंधेरे में पीड़िता से मिलने क्यों पहुंचे, परिवार ने काट दिया भयंकर बवाल, फिर ग्रामीणों ने अवधेश को खदेड़ दिया। नमस्कार, मैं खुशबू राय, आप देख रहे हैं निमित्त। शनिवार की बात है, यानी 6 सितंबर 2024 की। फैजाबाद से सांसद अयोध्या जिले के खंडासा थाना क्षेत्र में दलित पीड़िता से मुलाकात करने पहुंचते हैं, परिवार से हालचाल जानने पहुंचते हैं। लेकिन ऐसा क्या होता है कि सपा सांसद अवधेश प्रसाद को परिवार वालों के साथ साथ गांव वालों का भी यहां पर विरोध देखने को मिलता है और उन्हें वहां से खदेड़ दिया जाता है। 10 मिनट के अंदर उन्हें यहां से भगा दिया जाता है। पहले ये वीडियो देखिए। पहले भाजपा और कांग्रेस के नेता भी दलित पीड़िता से मिलने पहुंचे हैं, लेकिन उस वक्त ऐसी तस्वीरें नहीं आई। पर ऐसा क्या हुआ कि अवधेश को देखकर पीड़िता और उसके घर वालों या फिर गांव वालों का यहां पर गुस्सा इस कदर फूट गया कि 10 मिनट के अंदर अवधेश प्रसाद को यहां से बाहर जाना पड़ा। दरअसल अवधेश प्रसाद रात के अंधेरे में चोरों की तरह पीड़िता से उसका हालचाल जानने पहुंचे थे। इसी पर पीड़िता के परिवार वाले भड़क उठे और सवालों की बौछार सांसद जी पर कर डाली। परिवार का शोर सुन आसपास के लोग वहां जुट गए, जिससे माहौल और भी ज्यादा गमगीन हो गया। वो सांसद से कहने लगे कि घटना के तीसरे दिन आ पा रहे हैं, वो भी रात के अंधेरे में। पीछे से कुछ आवाज ऐसी भी आ रही है जिसमें लोग कहते नजर आ रहे हैं कि आप तो अयोध्या के राजा हो, तो इतनी रात में मिलने क्यों आए। इधर ग्रामीणों का विरोध देख अवधेश प्रसाद को 10 मिनट के अंदर ही गांव से निकलना पड़ा। हालांकि सपा सांसद ने ग्रामीणों से बातचीत की मोबाइल के फ्लैश लाइट और टॉर्च की लाइट में, क्योंकि गांव था तो लाइट नहीं थी। वो मामले को संभालने की कोशिश करने लगे और कहने लगे, हम पीड़ित के साथ खड़े हैं, सुरक्षा और मुआवजा दिलाएंगे। ग्रामीणों की ओर से कहा गया कि पीड़ित परिवार को आरोपियों के परिवार की ओर से मारने की धमकी दी जा रही है। इस पर सांसद ने कहा कि हम आ गए हैं, अब आप लोगों को कोई धमकी नहीं दे सकेगा। जिसने ये कांड किया है उसके खिलाफ कार्रवाई हो रही है, फांसी की सजा दिलाई जाएगी। अब अयोध्या रेप केस के बारे में थोड़ी जानकारी दे देते हैं आपको। यहाँ एक मुस्लिम समुदाय के युवक ने एक दलित नाबालिग बेटी के साथ घिनौनी घटना को अंजाम दिया था। 20 दिन के बाद आरोपी पीड़िता के घर आया और उसे और उसके घर वालों को जान से मारने की धमकी देकर वहां से चला गया। इस पूरे मामले को पुलिस ने काफी गंभीरता से लिया और इसके बाद त्वरित कार्रवाई की और आरोपी शहबान को मुठभेड़ में पकड़ लिया गया। उसके पैर में गोली लगी है, इलाज चल रहा है। इधर आरोपी का दोस्त फिलहाल फरार है और उसकी गिरफ्तारी के लिए ताबड़तोड़ छानबीन चल रही है। आज रात लगभग 9 बजे थाना खंडासा पुलिस द्वारा अपराध की दृष्टि से सतनापुर नहर के पास वाहन चेकिंग की जा रही थी, तभी उन्हें मोटरसाइकिल से संदिग्ध दो संदिग्ध व्यक्ति आते हुए दिखाई दिए। पुलिस ने उन्हें रुकने का इशारा किया पर उन्होंने पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी तथा गाड़ी में उड़कर भागने का प्रयास किया। प्रत्युत्तर में आत्मरक्षार्थ पुलिस टीम द्वारा फायरिंग की गई, जिसमें एक गोली गाड़ी चलाने वाले व्यक्ति के पैर में लग गई व गाड़ी के साथ वहीं गिर गया। उसका दूसरा साथी अंधेरे का लाभ उठाकर भागने में सफल रहा। पूछताछ में घायल व्यक्ति ने अपना नाम शहबान पुत्र मोहम्मद वारिस निवासी ग्राम रायपट्टी थाना खंडासा बताया तथा फरार व्यक्ति का नाम मोनू पुत्र यार मोहम्मद बताया। जानकारी करने पर ज्ञात हुआ कि दोनों अभियुक्तगढ़ थाना खंडासा पर पंजीकृत अभियोग मुकदमा अपराध संख्या 192/24 धारा 64/351 2 BNS व 325 SC/ST एक्ट 3/4 पॉक्सो एक्ट के वांछित अभियुक्त हैं। शहबान के कब्जे से एक अदद तमंचा 315 बोर व बिना नंबर की सुपर स्प्लेंडर मोटरसाइकिल बरामद हुई। पुलिस पर फायरिंग करने के संबंध में एक अन्य अभियोग अभियुक्तगढ़ के विरुद्ध धारा 109(1)(BNS) व 3/25 आर्म्स एक्ट के अंतर्गत पंजीकृत किया गया है। अभियुक्त शहबान को इलाज के लिए CSC इनायत नगर भिजवा दिया गया। प्रकरण में आगे कार्रवाई की जाएगी। मामले पर पहले भाजपा और कांग्रेस के नेता भी पीड़ित परिवार से मुलाकात कर चुके हैं। अब फैजाबाद से सपा सांसद अवधेश प्रसाद पीड़ित परिवार से मिलने के लिए पहुंचे।
उनके रात के अंधेरे में पहुंचने पर ग्रामीणों ने विरोध कर दिया। खैर, जिस तरीके से रात के अंधेरे में पीड़ित परिवार से मिलने अवधेश प्रसाद पहुंचे हैं, उस पर आपकी क्या राय है? रात के अंधेरे में अवधेश का पीड़िता और उसके परिवार से मिलना किस ओर इशारा करता है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। और ऐसी खबरों से जुड़े रहने के लिए NMF News को सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार।